हेलो दोस्तों, वीसी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम ऑटोकैड की अगली सीरीज शुरू करते हैं। इसमें हम सीधे 3D मॉडल ही तैयार करेंगे। पहले उसको 2D में बनाएंगे और आपके साथ साथ उसको 3D में भी कन्वर्ट करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ऑटोकैड को ऑन कीजिए। स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके एक नया पेज लीजिए। दोस्तों अब हम सारे मॉडल 3D में तैयार करेंगे। पहले उसका 2D बनाएंगे फिर उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टिक करके आपको टॉप व्यू लेना है। टॉप व्यू में आपको एक बॉक्स ड्रा करना है 36x8 का। तो रेक्टेंगल टूल से आप सर्किल तैयार करेंगे। रेक्टेंगल टूल पे कहीं पे भी टिक किया तो एट द रेट ऑफ लगेगा। कितनी वैल्यू लिखना है? 36x8। तो मैं लिखूंगा 36,8। तो ये 36x8 का एक बॉक्स बन गया है। अब इसके कॉर्नर पे जो दो बॉक्स ड्रा करने हैं उनका साइज दिया हुआ है 9x9x11 के दो बॉक्स ड्रा करने हैं। तो यहाँ पे टिक करिए एट द रेट ऑफ, पहले 9 फिर कोमा 11। ये 9x11 का एक बॉक्स बन गया है। अब दूसरा भी सेम ही चाहिए तो इसकी कॉपी लगा लेंगे। कॉपी यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे उठा के इसके कॉर्नर पे लगा देना है और इसको मूव करके इसको इसको मूव करके इस कोने से इस कोने पर टिका देना है। तो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे टिक किया और यहाँ पे टिक किया। यहाँ से हमको एक सर्कल ड्रा करना है सेंटर रेडियस में। पहले हम सेटिंग करके इसके सारे ऑब्जेक्ट्स ऑन स्नैप ऑन करेंगे। सेलेक्ट ऑल कर दो, ओके। फिर सेंटर पे टिक किया, हमें एक 18 रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है और एक 9 रेडियस का सर्कल ड्रा करना है यहाँ से। अब आप इसको ट्रिम भी कर सकते हो। अब जब मैं इसको थोड़ा मूव करा के देखूंगा तो आप देखोगे कि ये अलग पार्ट इन जुड़े हुए नहीं है। ये देखिए, इनको जोड़ने के लिए आपको पहले यहाँ लाइन पे टिक करके इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। फिर एक लाइन लगाएंगे और यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट जोड़ने के लिए आपको इसको रीजन कमांड से जोड़ना है। ड्रा पे टिक किया, ये रहा हमारी रीजन कमांड। रीजन कमांड के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना सारा और एंटर करना है। तो नीचे मैसेज आएगा वन रीजन क्रिएटेड। तो ये देखिए जुड़ के आपका वन पीस हो गया है। अब इसको भी मूव कमांड से साथ यहाँ पे टिक किया, यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे। अब इसको आइसोमेट्रिक कर लो, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक या नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। अब इसको हाइट देना शुरू करेंगे। हाइट देने के लिए हम एक्सट्रूड कमांड भी यूज कर सकते हैं, प्रेस पुल भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रूड पे टिक किया, सेलेक्ट करके एक बार एंटर किया तो कितनी हाइट देनी है इसको? 32। तो ये इसकी 32 हाइट आ गया। और ये दो वाले जो बॉक्स हैं उनको कितना हाइट देना है? 19 की। तो एक्सट्रूड टूल पे टिक किया, दोनों बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, कितना वैल्यू? 19। और इसको सिर्फ 11 ही हाइट देनी है। तो उसके लिए भी एक्सट्रूड कमांड पे टिक करके यहाँ पे टिक किया एंटर, कितनी हाइट देनी है? 11। जब आप इसको यहाँ से सॉलिड करके देखोगे कॉन्सेप्चुअल व्यू में तो आपको आपकी ड्राइंग 3D में नजर आएगी। यहाँ पे हमको दो नुक्कड़ पे फिलेट दी हुई है 6 रेडियस की। तो उसके लिए आपको फिलेट कमांड से भी हो सकता है, यहाँ पे टिक किया फिलेट कमांड के ऊपर, आर प्रेस करके पहले रेडियस दिया 6, फिर एंटर किया। जब 2D में फिलेट लगाते थे हम दो साइड सेलेक्ट करते थे, अब 3D में फिलेट लगाना है तो आपको सिर्फ कॉर्नर पे एक बार टिक करके एंटर करना है दो बार, तो वो फिलेट हो जाएगा। पहले फिलेट कमांड लिया, फिर आर प्रेस करके रेडियस फिल किया, फिर उसकी कॉर्नर वाली लाइन सेलेक्ट करके दो बार एंटर करो तो जो आपको फिलेट हो जाएगी। अब ये सारे के सारे पीस अलग अलग हैं, इनको जोड़ के एक पीस करना है। तो मैं इसके लिए यूनियन कमांड यूज करूंगा, सॉलिड यूनियन। यहाँ पे टिक करके सारा सेलेक्ट करके आप एंटर करना है तो वो वन पीस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कलर देना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में चले जाओ।
पहले सेलेक्ट करके फिर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे टिक किया येलो। तो देखिए दोस्तों हमारी 3D तैयार है। एक और 3D पार्ट तैयार करते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करके पहले इसका व्यू लेना है कि किस व्यू में आपने ड्राइंग तैयार करनी है। मैं फ्रंट व्यू में इसको ड्राइंग को बनाऊंगा, इसके साथ ही बनाते हैं। तो उसके लिए भी आपको ऐसे करना है, पहले लाइन टूल से पहले बॉक्स बना लो, चाहे लाइन टूल से आप उसकी डिमेंशन दे दो। हम इसको आज बनाते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन टूल से। कंस्ट्रक्शन लाइन टूल के ऊपर टिक किया, एच प्रेस किया हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी, और वी प्रेस किया तो वर्टिकल लाइन लगेगी। अब इसके ऑफसेट देने शुरू कर देते हैं। 7 का एक ऑफसेट दूंगा, यहाँ पे टिक किया 7 वैल्यू फिल करके यहां से इस तरफ, और नीचे से उस तरफ पहले 8 दूंगा ऑफसेट। और उनके आपस में एक ऑफसेट है 18 का, यहां से अंदर को 18, और फिर आगे 6 का एक ऑफसेट और है, तो 6 लिख के एंटर, यहां से 6 का ऑफसेट आ गया। नीचे से ऊपर तक की टोटल दूरी उन्होंने 35 दी है, तो ऑफसेट टूल के ऊपर टिक किया, 35 वैल्यू फिल किया, यहां से ऊपर तक 35 है, और ये वाली टोटल है 46, तो 46 के ऊपर एंटर किया, यहां से यहां तक 46 टूल है। अब इसको ट्रिम करेंगे, बीच वाली लाइनें भी हमें इसको एक पीस बनाना है, इसके लिए सेंटर वाली लाइन नहीं चाहिए, इसको भी आप डिलीट करोगे, हमें ये पीस चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले रीजन कमांड के साथ इसको रीजन करना है, एंटर करो तो रीजन हो गया। इसको आप आइसोमेट्रिक से देखेंगे तो ये पीस तैयार है। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे, सेलेक्ट किया एंटर किया, कितना एक्सट्रूड करना है इसको, इसको 35 एक्सट्रूड करना है, तो 35 वैल्यू फिल करके मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब ये कॉर्नर थोड़ा राउंड है, इसकी रेडियस फिलेट दिया है 15 का, तो फिलेट कमांड के ऊपर टिक किया, आर प्रेस करके रेडियस 15 फिल किया। तो हमें करना क्या है, सिर्फ सेंटर लाइन के ऊपर टिक करना है, फिर दो बार एंटर करना है, तो वो 15 रेडियस में फिल हो जाएगा। अब इसकी बैक साइड में दोनों तरफ को बंद भी करना है, तो पहले इस पीस को घुमा लो, घुमाने के बाद वहां पे आप एक रेक्टेंगल लगाओ, यहां से लेके इसको आप फ्रंट व्यू में टिक कर लो, फ्रंट व्यू के ऊपर टिक करके आपको करना क्या है, एक बॉक्स ड्रा करना है यहाँ तक, और एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है यहाँ से शुरू, फिर इसको आइसोमेट्रिक करके देखो आप। यहाँ पे टिक करके पहले रीजन कर लो इसको, फिर एंटर किया, ये रीजन हो गया है, और बॉक्स तो हमारा पहले ही रीजन था, उसको बस एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड के ऊपर टिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर किया, कितना एक्सट्रूड करना है, 8, तो 8 वैल्यू ये आ गई, और 8 वैल्यू ही इसको एक्सट्रूड करना है। तो दोस्तों हमारी ड्राइंग तैयार है। अब एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे काटना है हमको, तो इसका लेफ्ट व्यू ले लेंगे। लेफ्ट व्यू में क्या करना है, एक सर्कल ड्रा कर लो पहले कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, और जिसका रेडियस है 5। अब इसको 13-13 दोनों तरफ से मूव करना है, तो मूव कमांड लो, सेलेक्ट करो, यहाँ पे एंटर करके इसको 13 इधर करना है और 13 नीचे करना है, तो मैं लिखूंगा एट द रेट ऑफ -13, -13।
तो ये पीस मूव होके बीच में आ गया है, आइसोमेट्रिक में आपको दिखेगा, ये रहा पीस हमारा। अब इसको एक्सट्रूड कर लो, एक्सट्रूड टूल के ऊपर टिक करके सिर्फ सर्कल को सिलेक्ट करो, फिर एंटर करो और इसको 10 एक्सट्रूड कर दो। आप देखोगे कि ये सर्कल हमारा अभी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसके लिए सब्ट्रैक्ट कमांड चलाएंगे। यहाँ पे टिक किया सॉलिड सब्ट्रैक्ट, पहले बाहर वाला पीस सिलेक्ट किया एंटर, फिर जिसको माइनस करना है उसको सिलेक्ट करके एक बार एंटर करेंगे तो वो सर्कल उसके दोनों तरफ से आर पार हो जाएगा। आप इसको साउथ वेस्ट से, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट से देख सकते हो ड्राइंग को। अब इसको कलर देना है, वन पीस में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो यहाँ पे टिक करके सॉलिड यूनियन के ऊपर टिक करके आप सारा मॉडल सेलेक्ट कर लो और एक बार एंटर करो तो वो सारे में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ से इसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी आज 3D तैयार हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।